नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जीथ्रोसेट 500 टैबलेट के बारे में। वीडियो में जानेंगे इस दवा का यूज़ कौन से बीमारी में होता है, साथ ही साथ इस दवा का डोज का मात्रा क्या रहता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस दवा को लेने से, और कौन से सावधानी को ध्यान रखना होता है, साथ में इसका पैकिंग प्राइस कॉन्टेंट क्या है और कौन से कंपनी इस दवा को बनाते हैं। तो इन सारे बातों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और दोस्तों उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ये टैबलेट है, इसका ब्रांड नेम है जीथ्रोसेट 500 टैबलेट। इसका ब्रांड नेम है दोस्तों, ये जो ब्रांड नेम है आपको एरिया एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग मिल सकता है, लेकिन सभी ब्रांड में सेम ही कॉम्पोजिशन होता है, सेम ही काम करता है दोस्तों। इसमें कॉम्पोजिशन है दोस्तों एजिंथ्रोमाइसिन आईपी 500 मिलीग्राम कॉम्पोजिशन है दोस्तों। ये दवा एक दोस्तों शेड्यूल एच डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवा होते हैं, यानी दोस्तों इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर का सलाह लेना है, डॉक्टर को पर्ची से लेने वाला दवा है, अपने मन से इस दवा को यूज ना करें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। इस दवा को बनाता है दोस्तों यूनिवेंटिस मेडिकेयर लिमिटेड, इस दवा को बनाते हैं। एक स्ट्रिप में मिलता है आपको 3 गोली जिसका कीमत 79.16 रुपीज होता है दोस्तों। इसमें कंटेंट होता है एजिंथ्रोमाइसिन। एजिंथ्रोमाइसिन दोस्तों एक मैक्रोलाइट क्लस की एंटीबायोटिक दवा है। ये दोस्तों बैक्टीरियल को किल करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस दवा को यूज में लाया जाता है। ये बैक्टीरिया को किल करता है, ग्रोथ को कम करता है, प्रिवेंट करके ये काम करता है अपना। इसका इस्तेमाल दोस्तों बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन की समस्या में किया जाता है। इनके अलावा यदि आपको एसटीडी इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज की यदि आपको समस्या होती है उस कंडीशन में, ईयर में यदि आपको इन्फेक्शन होता है, लंग्स में बैक्टीरिया इन्फेक्शन की समस्या होता है, यदि आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया जैसा कंडीशन हो जाता है, साइनसिस की यदि आपको समस्या हो जाता है उसमें, स्किन इन्फेक्शन में, थ्रोट में यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या होता है, इन सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए दोस्तों डॉक्टर इस दवा को लेने को सलाह देता है दोस्तों। और दोस्तों कुछ कंडीशन में जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या जैसे किसी को कॉमन कोल्ड फ्लू की समस्या होते हैं, उस कंडीशन में दोस्तों ये दवा काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में इस दवा दोस्तों आप जान लेते हैं इस दवा का डोज के बारे में। डोज के बारे में जरूर दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों दवा का जो डोज होता है डिपेंड करता है आपका बॉडी कंडीशन, बीमारी के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट, एज, ड्रग हिस्ट्री के देख के डोज होता है दोस्तों। नॉर्मल तौर पर दोस्तों एडल में 500 mg का एक टेबलेट डॉक्टर दिन में एक बार लेने को सलाह देता है, खाना खाने के बाद पानी के साथ इस दवा को लिया जाता है दोस्तों। और कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें यदि इस दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यदि आपको ड्रग एलर्जी की समस्या होता है, मेडिसिन लेते हो आपको सेंसिटिव एलर्जी हो जाता है उस कंडीशन में, या ऑलरेडी आप किसी प्रकार दवा का सेवन करते हो, या बॉडी में किसी प्रकार बीमारी है, आपको लिवर से जुड़ी, किडनी से जुड़ी समस्या है, ये सारे कंडीशन में जरूर डॉक्टर को बताइए इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले, या यदि कोई प्रेगनेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले जरूर डॉक्टर को बताइए इसके बारे में दोस्तों। और छोटे बच्चों से दोस्तों इस दवा को आपको दूर रखना है, एल्कोहल के साथ दोस्तों इस दवा को यूज ना करें। अब जानेंगे दोस्तों ये जो दवा है, ये दवा यदि आप लेते हो और आपको बॉडी में सूट नहीं होता उस कंडीशन में क्या क्या दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टोमक में अपसेट जैसा लगेगा, पेट में आपको दर्द होगा, गैस की समस्या हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों आपको डायरिया, दस की जैसा समस्या हो सकता है, उल्टी हो सकता है, नौजिया जैसा समस्या हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन यदि आप महसूस करते हो इस दवा को लेने से, तो इमीडिएटली दोस्तों इस दवा का सेवन को स्टॉप करके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसे कि दोस्तों आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो ये दोस्तों जीथ्रोसेट 500 टैबलेट के बारे में सब कुछ। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारी के लिए जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।